Hello, Bacha party! Namaskar Adab, So Shakal, and Kim Cho. Welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept, the channel, and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in a with the subject. So, Bacha Log, we have just started the chapter number 5 Magnetism and Matter, and already we have covered lecture number 1. इन केस यू हैव मिस द क्लास डोंट वरी अबाउट इट टैप योर मोबाइल स्क्रीन एनी वेर यू विल सी देर इज छोटा सा सिम्बल आई टच दट आई विली एबल टू सी दी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नाव बच्चा पार्टी दिस इज लेक्चर नंबर टू और लेक्चर नंबर टू के अंदर जो हम डिटेल में आज सीखने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट दी बार मैगनेट नो इट इज नॉट अ बार मैगनेट बट या डेफिनेटली दैट इज बार मैगनेट सोलेनॉइड येस सोलेनॉइड एज एन इक्वीवेंट बार मैग्नेट या फिर हम इसे ऐसा समझें कि सोलेनोइड क्या बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह और अगर ऐसा है तो फिर क्या इक्वेशंस होने चाहिए दैट वी आर गोइंग टू स्टडी वेल अगर सीबीएसई के सिलेबस रिडक्शन की बात करें तो उसी के बेसिस पे बच्चा मैंने 2021 वाले बोर्ड वाले जो भी बच्चा लोग हैं उन्हीं के लिए आप लोगों के लिए इन सभी वीडियो को रिशूट कर रहा हूं इस चैनल पर आप देखेंगे कि ऑलरेडी क्लास ट्वेल्थ के सभी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं बट वो सब बहुत पहले के वीडियो लेक्चर्स हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं बहुत ही डिटेल वीडियो लेक्चर्स है और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ये होगा क्योंकि ये जो पैटर्न मैं अब नया वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए ला रहा हूँ ये स्पेशली जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ठीक है तो बच्चा लोग हम क्लास स्टार्ट करते हैं बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सुंदर सा रिक्वेस्ट वो जो नीचे सुंदर सा रेड वाला बटन है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बी ए पार्ट ऑफ एसएसपी फैमिली बिकॉज विदाउट द फैमिली वी आर नथिंग सो जल्दी से सब्सक्राइब करके

आपके डाउट लिए जाते हैं वो भी लाइव क्लास के माध्यम से इस डाउट कुल के अंदर जो मैं आपको होमवर्क दूंगा वो टेलीग्राम एक ग्रुप बनाया है मैंने दबंग प्रीमियम बच्चों के लिए जो भी एनरोलमेंट लेंगे वो सब वहां आ जाते हैं वहां पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा शीट देता हूं वो शीट में बहुत अच्छे अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डाउट कुल cool के अंदर आकर के पूछना होता है अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो बच्चे मुझसे इंट्रैक्ट होते हैं सो मंडे टू थर्सडे डेली क्लासेस फ्राइडे को है आपका डाउट कुल cool, इसके साथ ही साथ क्लास के अंदर ही आपको हैंड रेटेड नोट्स किस तरह से बनाना ये सारी डिटेल मिल जाती है बच्चा देखिए रिकॉर्डेड और लाइव क्लास में ये डिफरेंस होता है कि रिकॉर्डेड में मैं पढ़ा के चला जाऊंगा लेकिन लाइव क्लास में बच्चा लोग आप मुझसे इंटरेक्ट होते हुए पढ़ेंगे मैं तब भी आगे नहीं जा सकता जब तक कि आप अपने पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ सर मुझे ये पॉइंट आ गया मैं लगातार आपका नाम लेके पूछता रहूंगा बताइए बच्चा आपको समझ में आया कि नहीं आया सो so, बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर बच्चा लोग आप इस दबंग बैच का हिस्सा बन सकते हैं जो कि स्पेशली 2021 बोर्ड वाले बच्चों के लिए है दबंग बैच 2021 के अंदर अगर आप एनरोलमेंट देना चाहते हो तो आप सीधा इस वीडियो के क्लिक करते ही आपको मेरे दबंग बैच केस लाइव कोर्सेस जो भी है वो सब कुछ आपको देखेंगे जल्दी करना बच्चा पार्टी क्योंकि रोज क्लासेस हो रहे हैं तो बहुत जल्दी सिलेबस वहां खत्म हो जाएगा YouTube पे उल्टा हम पीछे हैं यहां 80% वीडियो लेक्चर्स उसी दबंग बैच के मिलेंगे लेकिन बाकी के सभी क्लास के लिए जैसे डाउट कुल हो गया एन का एक्सरसाइज हो गया इन सब के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही मिनिमम प्राइस में है ओनली टू हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से यानी ओनली टू फोर डबल जीरो रुपीज़ पर पूरे साल अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं इसे जब भी आप परचेज करना बच्चा डोंट फोगेट एस कोड लगा देना तो आपको ट्वेंटी ऑफ मिलेगा रियालिटी में थ्री है आपको टू में मिल जाएगा तो बहुत जल्दी कर लो बच्चा लोग लेट मत करो वरना फिर क्या होगा कि आप उसके अंदर जब एनरोलमेंट लेंगे

कुछ चार जितने टॉपिक हैं वो कटे हुए हैं जिनमें से सबसे लास्ट पोर्शन होता था मैग्नेटिक मटेरियल वो मैंने लेक्चर वन में भी डिस्कस किया है यहाँ पे एक बार फिर से कर दूंगा चैप्टर तीन मार्क्स के ज़्यादा का नहीं आता सी जो ब्लू भेजती है उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है मन में ये चीज बिठा करके रखें कि कितने भी मार्क्स का चैप्टर हो यार हमें करना है अच्छे से और आप अच्छे से तभी कर पाएंगे जब डिटेल में सारी चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे एंड ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी यू हैव टू फॉलो द एक्सेलेंस एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग द एक्लेंस ना मार्क्स विल फॉलो यू रट्टाफिकेशन पर बिल्कुल भी नहीं जाना है एंड बी रेडी टू फॉलो इन लव विद फिजिक्स बाबा एस एस आपको फिजिक्स के साथ इस मोहब्बत में डुबाने वाला है चलिए तो ये हो गया हमारा चैप्टर तीन मार्क्स अब बात कर लेता हूँ मैं की पॉइंट की तो आज की क्लास का जो की पॉइंट है बच्चा पार्टी वो है सोलिनॉइड एज अ बार मैग्नेट सोलेनोइड एज अ बार मैग्नेट ठीक है प्रीवियस क्लास में थोड़ी चर्चा मैंने ऑलरेडी कर ली थी जिसमें मैं आपको लास्ट लास्ट में ये सिखा रहा था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ऑलराइट उसे मिस मत करना जरूर उसे देख लेना चलिए तो हम सबसे पहले सोलेनॉइड कोर्स बनाते हैं और फिर उसको ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने में बार मैग्नेट की तरह वो किस तरह से काम करता है तो बच्चा पार्टी ये देखिए मस्त सुंदर सी एक सोलेनॉइड ले लेते हैं भाई साहब ये हमारी सोलेनॉइड जिसके अंदर एक मटेरियल होता है उसके ऊपर आप वायर को क्या करते हो ऐसे सुंदरता के साथ उइ 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 ऐसे आप लपेट देते हो उई उइ उई 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 इज द काइंड ऑफ एनर्जी जब भी जीवन काल में तकलीफ आए करिए उई ठीक है अच्छा मान लो इसका जो टोटल लेंथ है बच्चा लोग वो 2l है ठीक और साथ ही साथ मेरे लाल बाल गोपाल ये देखिए ये मैं एक एक्सेस का जो है मिड वाला पोर्शन है उसे कंसिडर कर सकता हूँ जैसे मान लीजिए कि ओरिजिन जैसे ये एक्स और ये मतलब ये एक्स और ये वाई तो बच्चा पार्टी अगर हम इसे एल कहें तो फिर ये वाला माइनस एल कह दीजिए कोई बुराई वाली बात है नहीं इफ यू टॉक अबाउट टोटल डिस्टेंस दैट इज टू एल बट क्योंकि मैंने इसे वाई कह दिया और इसे एक्स कह दिया तो ये मेरे लिए पॉजिटिव एक्स और ये मेरे लिए नेगेटिव एक्स इसमें कुछ खास बात नहीं है ओके okay. अच्छा अब आप सोचिए थिंक अबाउट इट ये जो मटेरियल के ऊपर वायर है प्लीज फील करना बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन बच्चा पढ़े नाउ प्लीज फोस ऑन इट सोलेड में ऐसे टर्नस है राइट right? अगर एक ऑब्जर्वर एक बंदा यहां खड़ा होकर के वो इसको ऑब्जर्व करे तो उसे तो एक गुच्छा दिखेगा टर्न्स का रिंग का मतलब एक उसे एक उसे रिंग दिखाई देगी हालांकि देर आर सो मेनी रिंग्स बट रिंग 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 उसे एक ही रिंग दिखेगा क्योंकि वो यहां से देख रहा है क्रॉस सेक्शन देख रहा है मैं यहां से देखूं तो मुझे बहुत सारे टर्न्स दिखेंगे दैट टर्न्स विल एक्ट लाइक अ रिंग बट इफ एन ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन साइड देन ऑब्जर्व कि भैया एक ही रिंग है बड़ा मोटा सा रिंग है है ना तो एक रिंग दिखेगा नाउ द करंट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दैट रिंग यस बच्चा लोग बिकॉज सोलेनॉइड है तो सोलेनोइड में से टर्न्स में से करंट तो जाते ही है तो वेन एवर देर इज अ रिंग एंड दैट रिंग इट्स विद समझ करेंट के साथ में है और यू कैन से दी करेंट कैरिंग रिंग क्या करंट कैरिंग रिंग प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड यस वी हैव ये इन चैप्टर नंबर फोर बहुत स्टार्टिंग का ही टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग रिंग उसका क्या फॉर्मूला होता था म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स पावर स्क्री बाई टू बच्चा लोग तो हम भी यहाँ पर वही सिचुएशन में आ गए हैं कि हमें एक रिंग दिख रहा है उस रिंग से उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बट क्योंकि यहां पे बहुत सारे टर्म्स है तो हम एक गेम खेलते हैं स्मॉल एलिमेंट का फिजिक्स में जब भी बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत बड़ा सा एक कुछ होता है तो वी ऑलवेज टेक अ स्मॉल एलिमेंट एंड देन वील ऑलवेज टेक अ स्मॉल uh, एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर उसका इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है ना तो बच्चा हम भी यहाँ पर वही गेम खेल लेते हैं कि मान लो यहाँ से x जितने डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने और इस एलिमेंट में एलिमेंट का जो लेंथ है वो dx है राइट वी ऑल्सो नो दैट कि स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये होता है

Because if you talk about the total turns of the solenoid, then you should take a total length Haan. But if you talk about the segment you should take a length of segment that is NDX. yes. So how many number of turns of is segment. segmentica. अब इसी सेगमेंट की वजह से ये जो इधर ऐसे है जो कि ऑब्जर्वर कोई दिख रहा है ऑब्जर्वर अब इसके बारे में नहीं सोचेगा वो खाली इतने पोर्शन के बारे में सोच रहा है तो सोचिए मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलराम चंद्र की जय हो जय हो आनंद की अनुभूति आएगा लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है बच्चा पार्टी इसी बात पर कमेंट ठोक दो तो इसकी वजह से किसकी वजह से इसकी वजह से यहां पर जो कि इस रिंग के एक्सिस पर आया जो कि इस रिंग के एक्सिस पर आए पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अच्छा बच्चा एक काम करते हैं ये यहां से जो मिड वाला एक्सिस है उससे ये डिस्टेंस को हम आर कंसिडर कर लेते हैं ठीक है पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एक्सिस, राइट अब मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ले हो जाए चलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑन रिंग ठीक है इसे स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा डी बी इक्वल्स टू म्यूनॉट एन सेगमेंट विच इज एनडीएक्स n, segment, n ni, suppose i आई सपोज current इज i, देन r square, r is what? रेडियस हम इसकी रेडियस को a consider कर लेते हैं ठीक है तो यहां पर ए हो गया मे नोट एन आई आर स्कॉन मे टू आर स्क्री बाई टू वे वॉट वॉज एक्स अगर हम सिंपल से एक रिंग की बात करें तो ये एक्स था और ये आपके लिए क्या था आर था तो एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द डिजायर पॉइंट तो देखो सेंटर से डिजायर पॉइंट का डिस्टेंस ये पूरा एक्स है ये पूरा आर है सो इफ दिस वन इज आर एक्स so है ना सो so, यहां पर हो जाएगा बच्चा लोग आर माइनस एक्स का होल स्क्स रेडियस का स्क्वायर एंड वी है थ्री बाई टू चमकीला बच्चा पार्टी ओ हो, हो आनंद की अनुभूति आ गई मास्टर गजब की बात है क्या बात है अब एक सिचुएशन अप्लाई करते हैं सिचुएशन ये है बच्चा पार्टी कि देख के ही पता चल रहा है कि दिस आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन एल अगर आर एल से बहुत बड़ा है और आर जो है ए से भी बहुत बड़ा है मतलब कि ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाए ये ये फॉर्मूला लगता भी नहीं है आप कंडीशन क्या देते हो वास्तविकता में क्या होता है बच्चा जैसे मैं आपको बोलता हूँ पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है इस सोलिनॉइट इस सोलानोइट के सेंटर से टू सेंटीमीटर पर है और जो इस सोलानोड का टोटल लेंथ है वो जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम है सोचिए उस, mm के आधा से भी, उस मैंने पॉइंट सेंटीमीटर बोला वो बड़ा हुआ सीधी सी बात है टू सेंटीमीटर बड़ा है तो उसके कंपैरिजन में एल बहुत छोटा हो जाता है सो हम क्या कर सकते हैं हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसको r आर के कंपैरिजन में एल को और आर के कंपैरिजन में ए को तो हमारे इस स्टेप के अंदर जब आर ए से बड़ा है तो एक्स तो ऑलरेडी बहुत छोटा यार, क्योंकि आपने बहुत पास में ही ले रखा है यहां पर लिख देता हूं ठीक है ये सब है। तो इस इक्वेशन के अंदर आ जाइए आप इस एक्स को खा सकते हैं इस ए को खा सकते हैं सो इक्वेशन इज लाइक db इक्वल्स टू म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वा टू 2, बच्चा लोग, देखिए का का तो नीचे बसता है मेरे लाल जी, आनंद की अनुभूति आ गई सो म्यूनोट एंडी एक्स आई ए स्क्र अपॉन में टू आर क्यूब एक इसके अंदर गेम खेल लेते हैं बच्चा लोग गेम ये है म्यूनोट एंडीएक्स आई पाई ए स्क्वायर अपॉन टू पाई आर क्यूब ओ हो क्या आपको पता चला बच्चा लोग गेम क्या खेला हम लोगों ने सोचिए सोचिए वीडियो को रोक करके सोचिए कौन सा गेम खेल रहे हैं पता चल रहा है सर पकड़ा पकड़ी खेल रहा है।, है हम तो गेम खेल रहे हैं यार कौन सा गेम खेल रहे हैं पाई से मल्टीप्लाई करा और पाई से क्या करा बच्चा लोग डिवाइड तो जैसे ही आप पाई से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड कर देते हो जरा सोचना ध्यान से तो दिस पाई ए स्क इज गोइंग टू बी द एरिया इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन की तो पाई ए स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी द एरिया अरे गजब सो so ये हो गया बच्चा लोग डी बी इज इक्वल टू तो म्यू नॉट आई ए एन डी एक्स अपॉन टू तो पाई आर का क्यूब ओ हो हो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू सेगमेंट दैट वी हैव सिलेक्टेड ओवर हियर बट दिस इज नॉट ई मैग्नेटिक फील्ड दिस इज नॉट ई मैग्नेटिक फील्ड दिस इज नॉट ई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस एंटायर सोलेनोइड बिकॉज दैट इज डी ना और अगर मेरे लाल बाल गोपाल तुम्हें असलियत में पूरा का पूरा बी चाहिए तो सोच के देखो क्या कर सकते हो यू शुड डू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ओके सर जी चलिए कर लेते हैं तो बी को कर देंगे इंटीग्रेट तो ये हुआ म्यू नॉट आई ए ओ हो हो अपॉन में टू पाई आर का क्यूब इंटीग्रेशन एन भी था क्या हाँ ठीक कोई दिक्कत नहीं स्मॉल एन यहाँ पे आ गया और फिर डीएक्स okay, अच्छा, डीएक्स इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चा पार्टी तो ये देखिए इसको पूरा कवर करना है और ये डी का है एक्स तो देखिए ये रहा एक्स डीएक्स डीएक्स लिमिट हमेशा देखिए आपने किसे लिया है इसे लिया है ना तो अब ये कितना हो सकता है ये हो सकता है ये पूरा का पूरा तो लिमिट हो जाएगी माइनस एल से एल तभी तो पूरा कवर होगा हमेशा लिमिट इस तरह से लें कि आपने ले जहां पर लेटेस्ट सेगमेंट लिया है वो सेगमेंट की वजह से उस सेगमेंट को हम कैसे कवर कर सकते हैं लाइक like, अगर ये है तो ये भी हो सकता था ये भी हो सकता था पूरा हो सकता था इसीलिए ये हो जाएगा माइनस एल टू एल लोअर लिमिट को नीचे रखें अपर लिमिट को हमेशा ऊपर रखें यस सो इट इज़ म्यू नॉट आई ए दैट इज एन

आई कई बच्चे सोच रहे होंगे मास्टर साइको है बट मास्टर के पढ़ाने का ये अंदाज है बच्चा लोग म्यू नोट आई एन ए, 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 स्मॉल एन अच्छा डी एक्स क्या डी एक्स का आंसर है एक्स हाँ क्या एक्स की जगह पर अपर लिमिट एल यस माइनस माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो लोग माइनस में ऑलरेडी माइनस एल है तो ये हो जाएगा बच्चा टू एल डायरेक्टली लिख रहा हूँ घबराना मत अपॉन oh, oh, oh. में है टू पाई आर का क्यूब ओ हो हो सोच के देखो मेरे लाल बाल गोपाल सिया बल रामचंद्र की जय हो क्या ये एन टू एल इज कैपिटल एन दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टन अरे गजब सर जी ये आ गया बी इज इक्वल टू मू नॉट कैपिटल एन आई ए अपॉन में टू पाई आर क्यूब अरे गजब सर जी कुछ देखा देखा सा लग रहा है यू मस्ट रिमेंबर बच्चा पार्टी क्या कॉन्सेप्ट आपको याद है चैप्टर नंबर फोर में चैप्टर नंबर फोर में आपने पढ़ा था कि जब रेक्टेंगुलर कॉइल रखी जाती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल तो उसके ऊपर टॉर्क लगता था उस टॉर्क का इक्वेशन था एम क्रॉस बी उसमें एम क्या था एम मतलब मंकी मतलब बंदर नहीं टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी में जो हमारा ये एम था सिखाया था प्रीवियस लेक्चर में भी एम इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इक्वेशन था बच्चा पार्टी निया निया मतलब एन आई ए क्या था इक्वेशन एन आई एन ए कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है या कोई भी लूप है जिस पर नंबर ऑफ टर्न्स दिया है करंट जा रही है उसकी एरिया पता है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और अगर कोई भी बार मैग्नेट है उसकी पोल स्ट्रेंथ पता है उस मैग्नेट का लेंथ पता है तो भी हम फाइंड कर सकते हैं उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भूलना मत मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का दो फॉर्मूला एक एनआईए निया उड़ीसा में कहते हैं ना निया लगाई दे मतलब आग लगा देंगे तो ऐसे याद रख सकते हो निया एनआईए और दूसरा लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर आपके पास पोल स्ट्रेंथ है वो डू मीन माई पोल स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो हमें यह बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना पावरफुल है जो सेम जॉब करता है जो काम चार्ज करता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बताता है ना कि अगर 10 कूलम चार्ज है ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड 100 कूलम चार्ज है और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चा लोग एन आई ए के जगह पर आ जाएगा एम यानि कि बी आ गया म्यू नॉट एन आई ए के जगह पर एम अपॉन में टू पाई आर का क्यूब ठीक इसमें एक गेम खेल सकते हैं आप लोग देखिए कौन सा गेम म्यू नॉट एम अपन में फोर पाई आर क्यूब एंड देन टू पता है हमने क्या करा टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया जानबूझ के किया ताकि न्यूमेरिकल में आसानी रहे कि भाई साहब अगर आप फोर पाई की वैल्यू देख ही रहे हैं म्यू नॉट ऑलरेडी फोर पाई टेन पावर माइनस करना था तो फोर फाइव फोर पाई कैंसिल हो जाता है अच्छा एक बात ध्यान से समझो टॉपिक का नाम था सोलोनोइ एज अ बार मैग्नेट सोलनॉइड एज अ बार मैग्नेट वाई दिस टॉपिक इज लाइक दिस सोलानॉट इज अ बार मैग्नेट बिकॉज सोलनॉइड में से जब करंट निकलती है कर, चलती है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और एक बार मैग्नेट magnet भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बार मैग्नेट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके एक्सेस पे वही मैग्नेटिक फील्ड इस सोलोनॉइड से बहते करंट से बनते मैग्नेट की वजह से भी हुआ प्लीज फील करें रटे नहीं क्या बोला मैंने जैसे मान लो कि एक बार मैग्नेट है ये अपने में से मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर रहा वही इस मैग्नेट के एक्सेस पे मैं, मैं मैग्नेटिक फील्ड लेने जाऊं ना तो भी मुझे यही इक्वेशन मिलेगा जिसका डेरिवेशन नहीं है और वो है भी नहीं कटा हुआ था अगर था भी हालांकि एनसीआरडी की टेक्स्ट बुक में नहीं है बट तो सिलेबस में रिडक्शन में था लेकिन ये टॉपिक रिड्यूस नहीं है एज अ बार मैग्नेट इसलिए कराया लेकिन कटा हुआ है ये कौन सा बार मैग्नेट की वजह से ये आ सकता है सोलर नॉइड की वजह से तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसके एक्सेस में ये इक्वेशन है और एक सोलर है सोलरइड से जब करंट बनता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अरे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो वी कैन टेक दैट एज अ बार मैग्नेट ना तो बिकॉज ऑफ दैट एज अ बार मैग्नेट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन यही है तो आपको एक ही चीज याद रखनी है मैग्नेट के एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड ये आता है अच्छा आ, बच्चा लोग थोड़ी फील कराऊ और और फील करते हैं याद होगा तुम्हें चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर वन में मेरे लाल बाल गोपाल लोग ऐसा था एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसको बोलते थे डाइपोल डाइपोल के एक्सेस पे जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे जब आ, ये डिस्टेंस उनके लेंथ से बहुत बड़ा था r इज ग्रेटर ग्रेटर देन l आपको नहीं लगता ये इक्वेशन आया था 2kp अपॉन में r का क्यूब ओ हो हो ये तो ऐसा ही तो है जो काम k है करता है k मतलब कूलम्स कांस्टेंट वही काम यहां पे μ नॉट अपॉन 4 पाई करते हैं दैट इज कांस्टेंट p क्या था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट c m क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम ऑन यार 2 2 क्यूब क्यूब सो फिर से देखिए बहुत मजेदार फिजिक्स होती है बच्चा इसलिए बच्चा इसे रटो मत फिजिक्स के साथ इश्क हो जाएगा अगर मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनते चले गए क्या दिस विल एक्टिंग लाइक अ के बिकॉज के इज दिस टर्म इज टू इज देयर पी पी एंड एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आर इज द डिस्टेंस आर इज द डिस्टेंस ओ हो हो सर जी तो फिर एक चीज और निकाला जा सकता है कि अगर ये डाइपोल है तो डाइपोल के इक्वेटर पे हमने निकाला था उसका इक्वेशन आया था के पी वाई आर का क्यूब गजब यहां पर भी ऐसा ही है अगर आप मैग्नेट के इक्वेटर पर चले जाए या इस सोलेनॉइड जो कि मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर लाइन पर जाओ तो परपेंडिकुलर लाइन पे जाने पर बच्चा पार्टी जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो होगा म्यूनोट एम अपॉन फोर पाई आर क्यूब क्या दिस म्यूनोट बाई फोर पाई इज एक्टिंग लाइक अ के आंसर है इट yes, क्या सीखा आपने हमने एक अच्छा सा डेरिवेशन सीखा इंटरेस्ट में बच्चा पार्ट इस चैप्टर से डेरिवेशन तो नहीं आएंगे 100 परसेंट बट फॉर्मूले से एक एक मार्क्स से क्वेश्चन बनता है या एक छोटा सा दो मार्क्स का न्यूमेरिकल देगा तीन मार्क्स का चैप्टर है तो अगर आपको एक मैग्नेट दे दे मैग्नेट का लेंथ पता है मैग्नेट का मैग्नेट एबोल मोमेंट पता है उसे डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो अपने को आता है मैग्नेट दे दे मैग्नेट का लेंथ दे दे मैग्नेट का डायपोल मोमेंट दे दे और अगर बोले एक उस मैग्नेट के परपेंडिकुलर एक्सेस से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो तो अपने को आता है ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि अगर मुझे मैग्नेट दिया है या uh, क्या कहते हैं इसको सॉलिनॉइड ऐसा बार मैग्नेट की कुछ कंडीशन दी है उसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऑन द एक्सेस या ऑन द परपेंडिकुलर लाइन आई कैन फाइंड इट ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया तो बहुत बड़ी बात है बच्चा विजेता हो आप और जीवित हो बच्चा जीत तो गए बच्चा पार्टी गेम जीवित नहीं यू हैव वन द मैच यू हैव वन द मैच ठीक तो ये सिचुएशन हो गई बच्चा पार्टी अच्छा इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही शानदार सा प्यारा सा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ जो कि स्पेशली मैं दबंग प्रीमियम बच्चों के साथ में डिस्कस करता हूँ टेलीग्राम के माध्यम से प्लीज़ बच्चा लो ऐसे नॉर्मली एस बाबा एस करके टेलीग्राम पे हैं आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो बट दबंग बैच में जुड़ने के लिए दबंग प्रीमियम क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो जो बच्चे स्पेशली चार्ज दिए हैं मैं उनके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा इसलिए माफी चाहूंगा कि मैं आपको उसमें जोड़ नहीं सकता आपको उसमें जुड़ना है तो एनरोलमेंट लेना पड़ेगा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि वहाँ पर इससे रिलेटेड मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था बहुत सारे बच्चे उसे किए भी थे मैं आपसे भी आपके भी समक्ष वो बात रखना चाहूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा आपको भी कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातें करते जाऊं एन के एग्जाम्पल आपको कराते चाहूँगा एक्सरसाइज के लिए आपको जो है कोर्स में एनरोलमेंट लेना पड़ेगा ठीक है देखिए बच्चा सब कुछ छोड़ दिया है यार बहुत बड़े से प्लेटफॉर्म को क्विट कर दिया जानते हो क्यों सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के खातिर नहीं तो बहुत अच्छे खासे रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो जाती थी इंटेंसि मिल जाता था बट uh, वो जो बड़ा सा प्लेटफॉर्म है यार टीचरों के साथ बहुत धोखा करता है और uh, बहुत जल्दी उनको मैं एक्सपोज करूँगा और आप लोगों के सामने आप लोगों के समक्ष ये बात जरूर रखूँगा टीचर्स डे के दिन कसम उड़ान जल्दी की अगर आप लोगों का साथ मिला ना तो मार्केट में आग तो लगाएंगे लगाएंगे क्या हुआ था क्यों हुआ था क्यों मैंने छोड़ा क्या रीज़न था वो सब कुछ आपके साथ डिटेल करूँगा uh, खैर हम आ जाते हैं इसी रेडरिक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम सोचते हैं बच्चा मज़ा आएगा देखिए 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 देखे जैसे बच्चा ये मैग्नेट दिया ट्र ये नॉर्थ और ये साउथ ठीक है अब 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 इसकी ना मैग्नेटिक डायपल मोमेंट दे रखी है मान लो कीजिए फोर एम्पियर मीटर का स्क्वायर ठीक है ओके अ प्रॉब्लम और बच्चा एक मैग्नेट है यहां पे, नॉर्थ और साउथ तो मैग्नेटिक डायपल मोमेंट है इसका टू एम्पियर मीटर का स्क्वायर ठीक ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है आपको बताना है कि यहां पे एक पोल स्ट्रेंथ है क्या है पोल स्ट्रेंथ इसको पीबी से रिप्रेजेंट कर लो पोल स्ट्रेंथ पता है ना इसकी ताकत पोल स्ट्रेंथ है कोई है किसी मैग्नेट का है दो एम्पेयर मीटर इसका यूनिट होता है अच्छा ये यूनिट कैसे हो भी समझा दू समाऊं समझा दूँ ठीक है <laughs> देखिए हमने ना सोलिनॉड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायपोल uh, मोमेंट का फॉर्मूला देखा वो एन आई ए है असलियत में जब सोलोनॉइड एक बार मैग्नेट बन जाती है जिसका लेंथ टूएल ही होता है ठीक है और ये पोल स्ट्रेंथ पी बी होता है पी बी यहाँ पे भी पी बी असलियत में ये नॉर्थ और ये साउथ होता है तो हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इक्वेशन ऐसा भी तो लिख सकते हैं पी बी इंटू टू एल जस्ट लाइक क्यू इंटू टू एल्व लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो ये हुआ बच्चा लोग एन आई ए अब सोचो मैं इसको सब्जेक्ट बनाता हूं अच्छी चीज सीख रहे हो आपकी किताब में नहीं मिलेगा NCRT में नहीं मिलेगा फील करें इस बात को हो oh, 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 oh. क्या कैपिटल एन बाई टी नंबर ऑफ टर्स इन यूनिट लेंथ अभी दिखाया था यार स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ दैट वी कैन रिप्रेजेंट स्मॉल एन गजब सर जी ले भाई इसका हो गया मीटर एरिया का मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वा इसका मीटर याद रखना भूलना मत एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोवमेंट एंड एम्पियर इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला स्मॉल एन आई ए मैग्नेटिक डायपोल मोवमेंट का फॉर्मूला ए बड़ा वाला एन मतलब घोसला नहीं नंबर ऑफ टर्न्स ये पता होना चाहिए ठीक है क्वेश्चन कैसे पूछते हैं जो हमारे एनसीआरटी में थोड़ा सा डिटेल में नहीं है मैं आपको बता देता हूं आपको ऐसा बोला गया कि बताइए इस बार मैग्नेट पे पोल स्ट्रेंथ पे कितना फोर्स लगेगा कितना फोर्स लगेगा थिंक अबाउट द बेसिक्स क्या ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बना रही है आंसर है यस क्या ये मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है आंसर yes. मैंगनेट है यस अरे मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी भाई साहब उसमें तो कोई शक है ही नहीं नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ के अंदर घुपैच 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 घुसली 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 ठीक है इसी तरह से ये भी है नॉर्थ से निकला साउथ में घुसली तो जहर सी बात है दोनों मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आ जाता है बच्चा तो उसके ऊपर फोर्स लगता था याद है भूल गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आ जाता था तो उसमें फोर्स लगता था क्यू इन ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया क्या उसी तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज यानी कि पोल स्ट्रेंथ यानी ई मतलब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है आंसर है यस यू शुड रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट और इसे अपने जीवन काल के अंत समय तक मन मंदिर में बसा लीजिए बच्चा पार्टी जीवन काल के अंत समय तक कभी भी इसे मेमोरी कार्ड से स्किप मत करना कि फोर्स इज इक्वल टू पीबी मल्टीप्लाई बी, बी। वॉट डू यू मीन बाई पीबी स्ट्रेंथ दैट विल एक्ट लाइक अ चार्ज एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड अरे गजब सर जी तो हमें ये पता चल गया कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रही है अगर हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो क्या होगा क्या दोनों ऐड होंगे दोनों माइनस uh, हो जाएंगे या दोनों पर वेक्टर का फॉर्मूला लगेगा समझें इस बात को इस बात को समझे बच्चा ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है ना इसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो देखो ऐसा आ रहा है और इसके वजह से जो आ रहा है ऐसा ऐसा आ रहा है क्यों इसलिए पता भी चल जा रहा है कि ये जो पॉइंट है ना वो इस मैग्नेट के एक्सेस पे है इसकी वजह से अगर मैं लिखूं फर्स्ट वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे फॉर्मला लगेगा म्यू नॉट टू एम अपन फोर पा अच्छा एक और बात बताना रह गया इनके सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है टू मीटर है और ये जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली एक मीटर के डिस्टेंस पर है मिड पॉइंट है ऐसा तो फोर पाई अपॉन में आर का क्यूब सो ये हो गया बच्चा म्यू नॉट बाई फोर पाई इन टू टू एम एम की जगह पर कितना भाई साहब फोर अपॉन मे आर कितना भाई साहब वन तो ये हुआ एट काट दू क्या टू म्यू नॉट बी वन आ गया अच्छा ये एक्सेस था बट ये सेकेंड वाले की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए B2 तो क्या वो परपेंडिकुलर है आंसर है यस yes. ये पॉइंट इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर एक्सेस पर है भाई साहब इसीलिए इसमें फॉर्मुला लगेगा म्यूनोट एम अपॉन फोर पाई आर का क्यूब नाउ सी द वैल्यू ऑफ एम दैट इज टू तो टू ने इसको काटा तो ये हो गया और आर की वैल्यू कितनी है वन है ही तो म्यूनोट अपॉन में टू पाई अच्छा पाई कुछ रह गया क्या यहाँ पे टू म्यूनोट अपॉन में पाई चार से चार कटा रस 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 ये देख बच्चा तो परपेंडिकुलर भी आ गया और एक्सिस भी आ गया अरे तो आप इसे ऐसे ही तो इमेजिन कर सकते हो कि एक एक्सिस की वजह से और एक परपेंडिकुलर है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है अच्छा मैग्नेटिक फील्ड पता चला है तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा पी बी मल्टीप्लाई बाई बी टू जस्ट लाइक दस इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो होगा बच्चा पार्टी पी बी मल्टीप्लाई बाई बी वन गज अब क्या यहाँ वैल्यू रख दो यहां वैल्यू रख दो या पीबी तो कॉमन ही निकल जाएगा और दोनों के बीच में एंगल है बच्चों नाइन्टी डिग्री तो हाउ टू तो फाइंड द रिजल्टन ऑफ दिस टू फाइंड द रिजल्टन यू मस्ट यूज दिस इक्वेशन एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर एक बहुत ही शानदार इलिस्ट्रेशन चांसेस कम है क्योंकि चैप्टर तीन ही मार्क्स का है बट जब बड़ी चीज सीखते हो ना आप तो उसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आ जाती है जैसे कि एक फार्मूला ये ये निकल गया आ गया सामने एक फार्मूला आ गया कि भाई साहब एक एक्सिस पर दिख रहा है एक परपेंडिकुलर दिख रहा है आपने सीख लिया फिर दूसरा रिजल्टेंट ऐसे निकलेगा प्लस करने पे नहीं होगा माइनस करने पे नहीं होगा तो एक बड़े से प्रॉब्लम को सिखाने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि जो बेसिक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको आ जाएंगे तो आई होप कि ये पॉइंट अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा है ना तो अब निकाल दीजिए मैगटिव फोर्स आ गया ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बच्चा लोग ड्यूरिंग लाइव क्लास जो बच्चे एनरोलमेंट लिए हैं उनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ देखिए ये रिकॉर्डेड है यहां में मैं कहाँ बात करूँ कैमरे पर देखे कैसे बात कर सकता हूँ हालांकि YouTube पे घबराने वाक की जरूरत नहीं बच्चा लोग जिस तरह से मैंने शिद्दत के साथ मेहनत करके 2018 में वीडियो शूट किया था जो 2019 के बच्चों को भी बहुत फ़ायदा हुआ 18 में भी बहुत बच्चों को फ़ायदा हुआ अब वैसे ही 2021 के बच्चों के लिए ये है 80% वीडियो लेक्चर्स विल बी फ्री ऑन दिस प्लेटफॉर्म ट्वेंटी कोई भी टीचर करेगा तो वो पूरी तरह से नहीं डालेगा अस्सी प्रतिशत मैं डाल रहा हूं सिलेबस पूरा आपका खत्म कराऊंगा कॉन्सेट पूरा आपका डालूंगा बट एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल डाउट सेशन एनसीआरटी का एक्सरसाइज ये इसके लिए बचा लोग आपको थोड़ी सी वो छोटे से अमाउंट के अंदर एनरोलमेंट लेना चाहिए चलिए तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास एंड आई होप कि पूरा का पूरा पॉइंट आपका क्लियर होगा एनरोलमेंट लेने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज मिलते हैं हम हमेशा नेक्स्ट मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट डू मैन बट डोंट योर मॉम टेक केयर बच्चा पार्टी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास लव यू ऑल टेक केयर थैंक यू सो मच बाय बाय सी इन द नेक्स्ट क्लास